हेलो फूडीज, धैर्या's क्रिएशन गुजराती में आप सौनो खूब खूब स्वागत है। हूँ छूँ धैर्या। तो नानाथी लई मोटा सौ कोईने भावे एवा आपणे शरद पूर्णिमाना स्पेशल दूध पौवा कि जेने पौवानी खीर पण कहेवाय ए बनावा माटे आपणे 1/4 कप जेटला पौवा लीधा छे। तो ए ज पौवा छे जे बटेका पौवामां आपणे यूज करता होईए छीए। तो आ पौवाने आपणे 2 થી 3 पाणीथी धोई लेशुं जेथी एनामांनो जे कचरो छे ए नीकळी जाय। अहीं पौवा धोवाई चूक्या छे। तो हवे आ पौवानी अंदर पण मीठाश रहे ए माटे आपणे अहीं 1.5 टेबलस्पून जेटली खांड नाखी देशुं। आ समय खांड उमेरवाथी पौवा छे अंदरथी मोड़ा नथी लागता। हवे पौवा डूबे एटलो आपणे दूध नाखीशुं। तो जे कपनी मददथी के वाटकीनी मददथी आपणे पौवा लीधा छे ए कपनी मददथी आपणे दूध उमेरीशुं। तो अहीं आपणे 1/4 कप जेटलुं दूध नाखीशुं अथवा तो पौवा डूबे एटलुं ज आपणे दूधनो उपयोग करवानो छे। हवे आ पौवाने आपणे साइडमां मूकी देशुं। बीजी तरफ एक कढ़ाईमां में 1 कप जेटलुं दूध लीधुं छे। तो अहीं तमे दूध ठंडू के गरम कोई पण लई शको छो। हवे आ दूधमां एक उभरो आवे त्यां सुधी आपणे एने हाई फ्लेम उपर पकावीशुं। तो उभरो आवता लगभग 30 થી 45 સેકન્ડनो ज समय लागे छे, वधारे नथी लागतो। बीजी तरफ एक वाटकीमां आपणे 1/4 कप जेटलुं दूध लीधुं छे। आ दूध ठंडू है। एनी अंदर आपणे 1 टेबलस्पून जेटलुं कस्टर्ड पाउडर उमेरीशुं। कस्टर्ड पाउडर उमेरवाथी दूध पौवामां फ्लेवर अने टेस्ट बने खूब ज सरस लागे छे। सारी रीते मिक्स करी लेशुं जेथी कस्टर्ड पाउडरना गांठाओ ना पड़े। आ दूध ठंडू होय ए वातनुं खास ध्यान राखजो। तो अहीं तमे जोई शको छो दूधमां उभरो आववानुं चालू थई चूक्युं छे। तो आ समये धीरे धीरे करीने कस्टर्ड पाउडरवाळुं दूध मिक्स करीने नाखूँ जेथी जे कस्टर्ड पाउडर तळिये बेसी गयो हशे ए उपर आवी जशे। हवे सारी रीते आपणे मिक्स करी लेशुं। कस्टर्ड पाउडर एड करवाथी एक तो दूध पौवा छे ए फ्लेवरवाळा बने छे। तो नानाथी लई मोटा सौ कोईने भावे एवा तैयार थाय छे। हवे मीठाश माटे आपणे 1/4 कप जेटली खांड नाखीशुं। तो जे कपनी मददथी आपणे पौवा लीधा हता ए ज कपनी के वाटकीनी मददथी आपणे खांड लेवानी छे। तमे अहीं गळपणनुं प्रमाण तमारा टेस्ट अकोर्डिंग उपर नीचे करी शको छो। सारी रीते मिक्स करी लेशुं। हवे ज्यां सुधी खांड ओगळे नहीं ने त्यां सुधी आपणे एने उकाळवानुं छे। तो अहीं तमे जोई शको छो बीजो उभरो आववानुं चालू थई चूक्युं छे। तो आ समये मैं 3 टेबलस्पून जेटला दूधमां 5 થી 6 केसरना तातड़ा पलाळीने राख्या हता। आनाथी कलर सारो आवे छे अने सुगंध सरस आवे छे। सारी रीते मिक्स करी लेशुं। केसर उमेरवुं ए ऑप्शनल छे, तमे इच्छो तो आने स्कीप पण करी शको छो। हवे उभरो आवी चूक्यो छे। तो आ समय आपणे जे पलाळेला पौवा हता ए नाखी देशुं। तो पौवा आ समये सॉफ्ट थई चूक्या हशे। ज्यारे गरम दूधमां उमेराशे त्यारे वधारे पौवा सॉफ्ट थई जशे। सारी रीते मिक्स करी लेशुं। अत्यारे आ तमने मिश्रण पातळुं देखाय छे, पण ज्यारे ठंडू पड़ी जशे त्यारे आ मिश्रण थोडुंक घाटुं थई चूक्युं हशे। हवे दूध पौवामां टेस्ट वधारवा माटे आपणे 1 એલચીનો ભૂકો ઉમેરીશું અને ફરી પાછું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે ફરી પાછું જ્યાં સુધી ઉભરો ના આવે ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકાળીશું। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ઉભરો આવી ચૂક્યો છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેશો અને કાજુ બદામ અને પિસ્તાની કતરણ નાખી દેશો। આ ખીર તૈયાર છે ચંદ્રની ચાંદીમાં મૂકવા માટે। પૌરાણિક રીતે પૂનમની રાતે જ્યારે ચંદ્ર આકાશમાં આવી ચૂક્યો હોય ત્યારે સૌથી વધારે જે જગ્યાએ ઘરમાં ચંદ્રના કિરણો પડતા હોય એ જગ્યાએ ચાંદીના વાસણમાં આ ખીર મૂકવામાં આવે છે। જો ચાંદીનું વાસણ ન હોય તો માટીનું વાસણ પર લઈ શકાય, પણ સ્ટીલના વાસણનો ઉપયોગ ન કરો। एना माथे काणावाळुं कोईपण छीबू ढाकी देवुं अने पूनमनी आखी राते अने चंद्रना किरणोनी नीचे ज रहेवा देवुं। आ खीरने अमृततुल्य खीर मानवामां आवे छे। आ खीर खावाथी घणा बधा रोगो दूर थाय छे। तो शरद पूर्णिमानी राते चंद्रना किरणोमां आ खीरने मूकी देवी अने बीजा दिवसे सवारे नरना कोटे आ खीरने खावी। तमे जोशो के आ खीर ज्यारे तमे सवारे खावशो त्यारे पेटमां केटली ठंडक लागे छे। तो आ खरी रीत है खीर ने खावानी। तमे जो 1-2 કલાક माटे चंद्रना किरणोमां मूकीने पछी खाओ छो तो एटलो फायदो नथी थतो। तमे बीजे दिवसे आ खीरने खाशो तो तमे पोते फील करशो कि पेटमां तमने केटली बधी ठंडक मळी छे। एसिडिटी आवा बधा रोगोमांथी मुक्ति मळे छे। तो एकवार आ रीते जरूर ट्राय करजो।